जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में चलाई जा रही है सुकर विकास योजना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मनाया अपना 86वां स्थापना दिवस समारोह। श्रीविधि धान रोपाई के 15 दिन बाद खेत में चलाएं कृषि यंत्र कोनो बिल्डर। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से हजारीबाग जिला में सुकर विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 20 मादा और 4 नर सुकरों के लिए इकाई लागत 6 लाख रुपए है, जबकि कंपोजिट फार्मिंग के तहत 10 मादा और 2 नर सुकरों के लिए इकाई लागत 3,30,000 रुपए है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। आवेदक की उम्र 25 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2014 है। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 86वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाख उत्पादन एवं विकास विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्घाटन के बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें लाख उत्पादन प्रसंस्करण एवं विकास पर चर्चा की गई। मौके पर भारतीय प्राकृतिक रौल एवं गोंद संस्थान के निदेशक डॉ आर रमणी, डॉ प्रवीर चक्रवर्ती, डॉ ए के जायसवाल और डॉक्टर के शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जो किसान श्री विधि से धान की खेती कर रहे हैं, वो रुपाई खत्म होने के 15 दिन बाद खेत में कृषि यंत्र कोनोवीडर चलाएं। इस यंत्र को किस तरह से चलाना ज्यादा फायदेमंद होगा, इस संबंध में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम बताते हैं। जब आप श्री विधि से धान की रुपाई कम्प्लीट कर लें, तो जिस दिन आप रुपाई करेंगे उस दिन को आप जरूर अपने मन में या डायरी में लिख कर रख लें, और उसके 15 दिन के बाद कोनोवीडर चलाना प्रारंभ करेंगे। कोनोवीडर चलाने का तरीका यह है कि मान लीजिए खेत में आप कोनोवीडर लेके किसी पंक्ति में घुस रहे हैं और पंक्ति उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, तो एक तरफ एक बार आप उत्तर से दक्षिण की दिशा चलाएँगे और दूसरी तरफ आप पूरब से पश्चिम की तरफ चलाएँगे, यानी पूरे खेत में एक बार उत्तर से दक्षिण, दूसरे बार पूरब से पश्चिम चलाएंगे। अगर ये दो बार आप चलाएंगे तो इसको कहते हैं कि हम लोग एक बार कोनोवीडर चला, यानी आप आधा अधूरा काम नहीं करेंगे, आप एक बार कोनोवीडर दोनों दिशाओं से चलाएंगे तब आपके जाके एक बार कोनोवीडर चलेगा, और ऐसा आप 15-15 दिन के अंतराल पर करते चले जाएंगे। झारखंड में ऊपरी, मध्यम और निचली तीन प्रकार की जमीन है। जो किसान अभी ऊपरी जमीन यानी टाण खेत या मध्यम जमीन में धान फसल लगाना चाहते हैं, बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई जो एरोबिक राइस लगाते हैं, यदि टाण में लगाते हैं तो उनके प्रभेद हुए बिरसा टाण 102, बिरसा धान 101, बिरसा धान 108, वंदना, अंजलि, इसकी बुआई करेंगे टाड़ में। और मध्य जमीन में यदि वो डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते हैं तो उसमें वो वंदना, ललाट, नवीन, IR 64, सहभागी और अभिषेक की बुआई करेंगे। जो किसान व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उन्हें बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने की जरूरत होती है। आसानी और सुरक्षित तरीके से शहद निकालने के लिए किसान मधु निष्कासन यंत्र की मदद ले सकते हैं। सफल किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान जो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधन और सुविधाओं का कुशल प्रबंधन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो सफल किसान हमारे साथ हैं, वो अपने कृषि संसाधन और कृषि तकनीकों के बीच तालमेल बिठाने का हुनर जानते हैं। इनके पास जो भी कृषि सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर ये अपनी खेती की कार्य योजना तैयार करते हैं। यही वजह है कि ये खरीफ, रबी सभी फसलों से अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। और कई जगह से ट्रेनिंग लेके आज हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हम हर तरह का खेती कर रहे हैं।
धान का श्री विधि से मेरी गोल्डे का खेती कर रहे हैं और मेरी गोल्डे का खेती करके हम लगभग 50,000 हर वर्ष कमा रहे हैं। उसमें रंजय सर का महत्वपूर्ण योगदान था जो हम लोग को काफ़ी मदद किए यहाँ के क्षेत्र के बारे में। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूँ 1,700 रुपए से 1,750 रुपए, चना 3,300 रुपए से 3,360 रुपए, दाल अरहर 6,000 रुपए से 6,200 रुपए, दाल मसूर 5,500 रुपए से 5,600 रुपए, दाल चना 3,700 रुपए से 3,800 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,300 रुपए से 1,350 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाई बंधु, आप कृषि समाचार में देखें मंडी का भाव, मौसम का हाल और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आगे हम कई सारी जानकारी लेकर के आए हैं अपने भाई बंधु के लिए, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो मंगरा, हम लोग जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। हाँ तो बढ़ाइए, बताइए कि आज अपने किसान भाई बहन को आप किस विषय की जानकारी दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? आज हम किसान भाई बहनों को सब्जी फसल में लगने वाले बीमारियों का पौध रोपण के समय बचाव कैसे करें, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे किसान भाई बहन, अगर आप सब्जी फसल लगाना चाहते हैं और जो नर्सरी में, पौधशाला में, खेत में पौधा रोपने के लिए जो बिचड़ा तैयार किए हैं, तो बिचड़ा लगाने के समय किन बातों का हम ख्याल रखें, किन बातों पर ध्यान दें ताकि पौधों में बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, इस संबंध में आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी, आइए लेते हैं जानकारी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम प्लांटिंग के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर मौर्य सर, जो हमें बताएंगे कि पौध रोपण के समय किन किन बातों का ध्यान रखें और सब्जी फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सब्जी फसल लगे हुए हैं और उस समय पौधा रोपण हमारे किसान भाई कर चुके हैं, तो उस समय किन किन बातों का हमारे किसान भाई जो है ध्यान रखें उसके बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, किसान भाई की नर्सरी जो है अब
ज़्यादातर किसान जो है नर्सरी डालने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों की जो है नर्सरी जो है तैयार भी है, तो पौध की रोपाई करने के लिए जा रहे होंगे। तो पौध की रोपाई के समय किसान भाइयों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यदि किसान भाई थोड़ी सी सावधानी ले ले तो उनके जो फसल जब आने वाले दिनों में उसमें कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों का प्रकोप न के बराबर होगा। तो इन किन किन बातों का ध्यान में रखना है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को। जैसे आपकी पौध तैयार है, जैसे आपने प्रो ट्रे में लगाया है या आप खेत में लगाया है, खेत से आप जब नर्सरी को उखाड़ते हैं, उखाड़ने के बाद आप सीधे खेत में लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। खेत में लगाने से पहले पौध को उपचारित करने की ज़रूरत होती है कि पौध को जो है उपचारित कर लें। उपचारित करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे एक फफूदी नाशक जो है आसानी से बाजार में उपलब्ध है, बाविस्टीन के नाम से या कार्बेंडाजिम के नाम से किसान भाई जानते हैं, उसको ले लेना है। उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बना लीजिए। यदि आपको बीज उपचारित करना है तो आप जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और उस पौध का घोल बनाने के बाद, उस फफूदी नाशक का घोल बनाने के बाद, अपनी जो नर्सरी की जड़ें हैं ना उसकी उसकी फफूदी के घोल, फफूदी नाशक के घोल में डुबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो मिट्टी के साथ जो है पौध के साथ चिपके हुए रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जब हम नर्सरी उखाड़ते हैं तो बहुत सारी जो है पतले पतले जो जड़ें होती हैं वो टूट जाती हैं, और टूटने के कारण से वहाँ पर बैक्टीरिया का, फफूदी का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो ऐसे जो है टूट फूट को जो है, जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए फफूदी नाशक से उपचारित करने से क्या होता है कि इसमें जो है रोग का प्रकोप नहीं हो पाता है। तो ये इन बातों का ध्यान भी विशेष तौर पर रखना है। जब आप नर्सरी से पौधे को उखाड़ते हैं तो बीज को उपचारित करें। साथ ही साथ यदि आप नर्सरी में के बाद जब खेत में लगाने जा रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं कि बरसात का समय अब स्टार्ट हो गया है झारखंड में। विशेष तौर पे आप देखेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर तक यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो ऐसे समय में आप जब भी पौध की जो है रुपाई करें तो आप मेड़ों पे रुपाई करें। जनरली बरसात के दिनों में यदि हम प्लेन खेत में जो है रुपाई करते हैं तो पानी लगने से बहुत तरह की बीमारियाँ आती हैं, जैसे तना सड़न, जड़ सड़न, उकठा। ये बहुत ही कॉमन बीमारी आती है बरसात के दिनों में, जिससे कि पौधे की बढ़वार नहीं होती है, पौधा जो है तब पत्तियां जो है तब पीली पड़ जाती हैं और पौधा मर जाता है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे पानी लगता हो, या विशेष तौर पे हम तो कहेंगे किसान भाई बरसात के दिनों में मेड़ के ऊपर ही सब्जियों की खेती करें, मेड़ बनाए। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी कि जो है तब मेड़ बने हुए हैं, इसी के ऊपर जो है पौध लगाए जाएंगे। तो ऐसे ही किसान भाई भी करें और उसमें जो है पौध लगाएं, तो उसमें जो है बरसात के दिनों में भी बीमारियों का प्रकोप कम होगा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो है बहुत तरह की जो बीमारियां हैं, तो इससे हमारे किसान भाई किस तरीके से निजात पाएंगे उसके बारे में बताएं। हाँ, जैसे देखिए है क्या कि कुछ बचाव के तरीके हमने बताए आपको कि जैसे बीज को उपचारित करना है, मेड़ों पे खेती करनी है कि मेड़ों पे ही पौध को लगाना है। जैसे इस तरह से बंड बना लीजिए, इसके ऊपर यदि आप खेत करते हैं, पौध लगाते हैं, तो बीमारियां नहीं आती हैं। साथ ही साथ जब आप वो पौध को जो है लगाने जाने, जैसे आपको अगले सप्ताह में पौध की रोपाई करनी है, तो इस सप्ताह से ही आपको तैयारी करनी है। तैयारी क्या करना है, जैसे कुछ कीड़े होते हैं जो आपके नर्सरी से ही खेत में पहुंचते हैं, जैसे तना छेदक और फल छेदक, वो आपके जो है पौध में ही पहले से ही उनके जो है एक्स रहते हैं, वहीं जो है कैटरपिलर रहते हैं, वो जो है जाके आपके खड़ी फसल में उनके तना छेदक और फल छेदक को जो है देते हैं, करते हैं। तो ऐसे जो है कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए अपनी फसल में पहले, जैसे पौधा आपका छोटा है तो उस समय जो है आप रोगोर 2 ml/L पानी के साथ छिड़काव कर दीजिए। यह दवा उपलब्ध नहीं है तो ईसा कार्ब ले लीजिए, 1 ml/2 L पानी में मिला के छिड़काव करें, और इस तरह से करने के बाद जब आप खेत में ले जाते हो तो बीमारियाँ नहीं आती। लेकिन यदि मान लीजिए खेत में खड़ी फसल में बीमारी आती है, पौधा जैसे आपका बढ़ने लगता है उस समय भी बीमारी आती है, तो यही दवा खड़ी फसल में भी छिड़काव करके आप जो है कीड़े मकोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान में रखें कि पौधे जो है मेड़ पे लगाएं, पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन करें, और हर दिन अपने खेतों में जाएं, जिससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हमारी फसल कैसी है। पौधे की फसल के ऊपर यदि पौधा आपका पीला पड़ रहा है, या उसकी बढ़वार कम हो रही है, या पत्तियों के ऊपर जो है धब्बे पड़ रहे हैं, तो तुरंत जो है मतलब उसके लिए जो है उपचार के जो तरीके हैं, जैसे पत्तियों के ऊपर धब्बा है तो उसके लिए जो है आप
बाविस्टीन का छिड़काव कर सकते हैं या डायथेन Z78 का छिड़काव कर सकते हैं या डायथेन M45 का छिड़काव कर सकते हैं। पौधा आपका पीला पड़ रहा है, इसका मतलब है आपने पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करी है। पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करें तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो मेड़ों पर अगर हमारे किसान भाई अगर ओपन करते हैं तो उसमें भी बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे किसान भाई को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम पौधे की दूरी की बात कर रहे हैं तो वो कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, हर फसलों के जो है पौध की दूरी जो है निर्धारित है जी। जैसे इस समय हम टमाटर की बात करें या बैंगन की बात करें या जो है मिर्च की बात करें, हमारे किसान भाई जो है लगाने की तैयारी में कर रहे हैं। और ज़्यादातर किसान भाई जो है मतलब खेतों में जब लगाते हैं तो जो है पौध जो है पास पास में लगा देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पौध से पौध की दूरी जो निर्धारित है वो निर्धारित मानकों को आपको मानना है, तभी पौध लगाएं। इससे क्या होता है कि पौध के बढ़वार के समय पौधा एक दूसरे से सटता नहीं है, जिसके कारण से यदि सट जाता है तो होता क्या है कि उसमें कीड़े मकोड़े के छिपने के जगह मिल जाते हैं, बीमारियों के भी जो है करता बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है करता जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रहते हैं, जिससे बीमारियाँ जो है या कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होने लगता है। तो आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर हम पौधारोपण करते हैं तो उन समय मेड़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है और पौधे से पौधों की दूरी के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। बताइए कैसी लगी जानकारी? जानकारी तो वाकई बहुत 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 अच्छी जानकारी थी। बहुत अच्छी जानकारी थी। तो एक और अच्छी जानकारी, और ये जानकारी हम अपने संदेश के रूप में जल बचाओ और इसका सदुपयोग करो इस विषय पर आइए देखते हैं ये छोटा सा संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टपक टप टप टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और इन स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और। वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप? वाकई ये संदेश नुमा जानकारी भी बहुत अच्छी और बहुत फायदेमंद जानकारी है, है ना? बिल्कुल। तो हमको लगता है कि अभी तक हमारे वो बंधुवर नहीं आए हैं। अच्छा, कुमार जी की बात आप? हाँ। अरे वो किसानों के बीच। अरे जोहार 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 जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। लगता है आप किसानों के साथ खेत खलिहान में जाते हैं, वहाँ काफी वक्त बिताने में टाइम लग गया। अरे बहुत सारी और अच्छी जानकारी है। किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं अधिक लाभ कमाना तो वैज्ञानिक खेती को ही अपनाना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरसाती टमाटर की वैज्ञानिक खेती और उसके प्रभेद के बारे में। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी तो उपज बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी तो अधिक लाभ होगा और आपके घर सुख शांति और समृद्धि आएगी। तो चलिए, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपनी विशेषज्ञ रश्मि के पास। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा में और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं बरसाती टमाटर के वैज्ञानिक तरीके से खेती किस तरह से की जाए। इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं श्रीमती रश्मि कंडुल्ला। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि वैज्ञानिक तरीके से खेती बरसाती टमाटर का कैसे किया जाता है? किसान भाइयों को शक है कि वे इसके लिए उपयुक्त जो उपयुक्त प्रभेद है उसका प्रयोग करें और उसका जो बीज दर है वो सही रखें और उसका जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस मेंटेन, वो सही तरीके से मेंटेन करें और उसका जो खाद है उसका अच्छी तरह से प्रबंधन करें, खाद अच्छी उपयुक्त मात्रा में लगाएं। तो इस तरह से अगर वैज्ञानिक ढंग से लगाएंगे किसान भाई तो वे अपने पैदावार वगैरह बढ़ा सकते हैं। मैम, ये बताइए कि जो बरसाती टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती होती है, इसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? वैज्ञानिक खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है जुलाई से अक्टूबर का समय जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है टमाटर की खेती के लिए। जी, आगे ये बताइए मैम, किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि बरसाती टमाटर की जो वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाएगी उसके लिए नर्सरी की तैयारी कैसे करेंगे किसान भाई?
बरसात के मौसम में किसानों को वैज्ञानिक ढंग से लगाने के लिए सही उपयुक्त जमीन एवं दिशा देख करके उसका चुनाव करना चाहिए। सबसे उपयुक्त है कि वो समतल जमीन का चुनाव करें और इस तरह का जमीन का चुनाव करें जो कि ढलवा हल्का ढलान जिसमें है, और इस बात का भी ख्याल रखें कि जो जमीन है वो अगल बगल के जो जमीन है उससे थोड़ा सा ऊंचा रहे, 6 इंच लगभग ऊंचा रहे ताकि उसमें पानी का जमाव ना हो और जो बीज लग गिराते हैं बिचड़ा की तैयारी के लिए वो सही ढंग से हो, उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो। तो अगर ये बात किसान भाई बरसात के मौसम में अगर इस बात का ख्याल रखेंगे तो अच्छा जो बिचड़ा तैयार होता है अच्छा बिचड़ा तैयार होगा। अब मैम ये बताइए किसान भाइयों को कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे किसान भाई? किसान भाई खेत की तैयारी के लिए जब बिचड़ा लगभग 1 महीना के बाद तैयार हो जाता है तो किसान भाई इस ये ध्यान रख सकते हैं कि जो जो डिस्टेंस जो मेंटेन करते हैं वो डिस्टेंस लगभग 60 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी और जो रो टू रो का डिस्टेंस है वो भी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसका जो बीज दर है वो है 500 ग्राम प्रति हेक्टर और संकर बीज जो लेते हैं वो 200 ग्राम प्रति हेक्टर है। मैम आगे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो खेत की तैयारी वो करेंगे टमाटर बरसाती टमाटर की खेती में, तो इसमें उन्नत किस्म के खाद उर्वरक कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से उन्नत किस्म के खाद इसके आए? जो खाद का प्रयोग होता है वो है गोबर खाद, इसके लिए उपयुक्त होता है। जैविक खाद से पूरा भरपूर मात्रा में जो खेत रहता है वो उपयुक्त रहता है, उसके लिए गोबर खाद लगभग 250 क्विंटल प्रति हेक्टर वो गोबर खाद लिया जाता है। उसको खेत में अच्छी तरह से दें, पूरी अच्छी तरह से जो खेत में मिट्टी में मिला दें, और उसमें नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो है 40 केजी प्रति एकड़, और स्फूर का मात्रा है 20 केजी प्रति एकड़, और पोटैश वो भी 20 केजी प्रति एकड़, इतना मात्रा उपयुक्त होता है टमाटर की खेती के लिए। मैम ये बताइए किसान भाइयों को कि बरसाती टमाटर के कौन कौन से उन्नत किस्म होते हैं, ये किसान भाइयों को आप बताएं विस्तृत। बरसाती टमाटर हैं उसके लिए उपयुक्त जो बरसात के मौसम के लिए हैं वो है स्वर्ण संपदा और स्वर्ण वैभव, अमृता, ये टाटा की वैरायटी है, ये सब बहुत उपयुक्त हैं बरसात के मौसम के लिए। मैम आगे ये बताइए किसान भाइयों को कि ये जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो इससे कितना मुनाफा वो कमा लेंगे कि वो प्राचीन तरीके से जो खेती चलती आ रही है उसको छोड़कर ये वैज्ञानिक खेती को किस तरह से अपनाएं कि उन्हें कितना लाभ होगा? पुरानी विधि से जो किसान भाई लगाते थे उसमें उनका बीज का मात्रा भी अधिक लगाते थे उन लोग, और खाद भी वैज्ञानिक ढंग से जो लगाते हैं उस हिसाब से अधिक लगाते थे, अधिक प्रयोग करते थे। तो इससे होता क्या था कि जो बीज का मात्रा अधिक लगाते थे तो जो पौधा से पौधा का डिस्टेंस जो है वो भी कम रहता था, तो जो उसमें निकाई गुड़ाई घास भी अधिक हो जाता था तो निकाई गुड़ाई भी अधिक करना पड़ता था, तो इस तरह से उनका जो खर्च वो ज़्यादा बढ़ जाता था। और अगर वैज्ञानिक उसी टमाटर को अगर वैज्ञानिक ढंग से लगाते हैं तो उन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो घास पात है वो कम मात्रा में होता है उसमें, तो उनको लेबर कॉस्ट कम पड़ता है और इस प्रकार से उनका बचत भी काफ़ी हो जाता है। और वैज्ञानिक ढंग से जो सीड लगाते हैं सीड रेट भी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि पुराने ढंग से ज़्यादा मात्रा में बीज लगाते थे और अभी जो वैज्ञानिक ढंग से लगाते हैं तो बीज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जिससे उनका मतलब जो खर्च होता है वो काफ़ी बच जाता है, कम हो जाता है। और वैज्ञानिक ढंग से लगाने से उनका जो उपज है वो भी काफ़ी होता है, लगभग 300 क्विंटल प्रति एकड़ हेक्टर इतना उपज हो जाता है, तो उनका इनकम भी काफ़ी हो जाता है। और वही अपने पुराने तरीके से लगाने से उनका जो उपज है वो काफ़ी कम रहता है, तो लाभ भी काफ़ी कम होता है। तो वैज्ञानिक ढंग से लगाने से उनका लाभ बहुत होता है, इनकम भी काफ़ी बढ़ जाता है उनका। साथ ही टमाटर के वैज्ञानिक तरीके से खेती के विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, किस तरह से आप प्राचीन कालीन खेती को छोड़ करके वैज्ञानिक तरीके को अपना सकते हैं, इसमें आपको खर्च कम आता है और मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से बहुत लाभान्वित होंगे। मैम आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। वाह वाकई क्या बढ़िया बात है कि अगर इस मौसम में बरसात में अगर टमाटर हम लोग लगाएं
उसकी खेती करें तो कौन कौन से, एक तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें और जो प्रभेद जो बताएं वो माने कि वो अधिकाधिक उपज देने में सक्षम है, वो लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको ज़्यादा उपज मिलेगा। बिल्कुल, तो आपका आप इतना बहुत बढ़िया जानकारी दिलवाएं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहन, अगले अंक में आपके लिए हम और ढेर सारी जानकारी लेकर के आएँ, उससे पहले हम लेंगे आपसे इजाज़त। लेकिन आपसे आज्ञा लेने से पहले आप कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपके कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसी के साथ आप कुमार साहब, मंगरा भाई, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।